हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट होप यू आर सेफ एंड हेल्दी सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर थर्ड ऑफ क्लास ट्वेल्व फिजिक्स दैट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वन और टू में हम लोगों ने जाना कि चार्ज क्या होता है और चार्ज जब रेस्ट में है तो वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है एंड दैट ऑल आर कम इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट्स अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या चार्ज अगर मोशन में है तब भी वो हमारे लिए यूजफुल है क्या चार्ज अगर मोशन में है तब भी वो हमारे लिए यूजफुल है तो इसका आंसर है यस बट प्रोवाइडेड कि वो मोशन चार्ज का कंट्रोल्ड और कंटिन्यूस होना चाहिए ये शर्त है कि वो जो चार्ज का मोशन हो रहा है वो कंट्रोल्ड वे में हो और कंटिन्यूस हो लाइक like, एज वी नो डेट की फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग करेंट ऑफ वॉटर भी बोलते हैं फ्लो ऑफ वॉटर इज ऑल्सो कॉल्ड द करेंट ऑफ वॉटर सिमिलरली हिस्स फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करेंट इन चैप्टर वन एंड टू हम लोग ये देखे थे कि जब भी किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर जो भी उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है मीन्स व्हाट उनका मोशन शुरू हो जाता है और ये जो मोशन होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है सो ऑफकोर्स मोशन तो हो रहा है वो अलग बात है कि वो कम समय के लिए हो रहा है तो दैट मीन्स व्हाट कि वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा और इस करंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट ऐसा ही केस लाइटनिंग के केस में भी होता है लाइटनिंग के केस में भी क्या होता है कि यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो होता है वो दो क्लाउड के बीच में होता है या फिर वो क्लाउड और अर्थ के बीच में होता है अब यहाँ से हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं जो हम लोगों ने बोला कि चार्ज का मोशन अगर कंट्रोल्ड और कंटिन्यूस हो तभी यूजफुल है तो लाइटनिंग के केस में ऐसा नहीं होता है दैट्स वाई इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस ना हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी फिजिकल इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत है उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए अब ये फिजिक्स हो गया की फ्लो ऑफ चार्ज मोशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करेंट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन द मैथमेटिकल फॉर्मूला सो क्यू डेट मींस चार्ज इसको हम लोग जब ये मोशन में रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं करेंट ये चार्ज जब मोशन में रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं करेंट अब वहां पर ये टाइम का इसलिए आई जल टू डेल्टा क्यू अब यहाँ पर क्वेश्चन हुआ कि तो टी क्यू है इसलिए है की अफकोर्स इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि कितने समय में कितना चार्ज का फ्लो हुआ कितने चार्ज का मोशन हुआ इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू नो दस बार हम लोग यहाँ पर लिखे कि I इज इगल टू डेल्टा Q बाय टी इफ द करेंट इज स्टडी देन वी कैन राइट I इज इगल टू क्यू बाय टी सिंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वी नो दैट कि चार्ज इज क्वांटाइज और क्यू इज़ इगल टू एन ई होता है तो यहाँ पर क्यू के जगह एन ई लिख दे क्यू बाय टी इज़ इगल टू एन ई बाय टी इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं इफ वी वॉन्ट टू क्वांटिफाई क्वान्टिफाई दॉटर करेंट ऑफ रिवर देन वी कैन होल्ड अ रिंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वॉटर फ्लो एंड मेजर दफ वॉटर दैट फ्लोज थ्रू द रिंग पर सेकेंड सो यहाँ पर भी पर सेकेंड टाइम का बात हुआ इसलिए यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को भी डिफाइन करने के लिए टी को कंसीडर किए और इज गर् टू क्यू बाय टी फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास इलेवन फिजिक्स विच इज ऑन यूनिट एंड डायमेंशन वहां पर हम लोगों ने देखा कि जो ऐसा ही यूनिट जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट एम्पियर होता है और डायमेंशन ए होता है ओके okay? अब ये जो सेकेंड पॉइंट है रिगार्डिंग द करेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एक्चुअली वॉट हैपन यर कि जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करेंट पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है उसका नाम हम लोग दे दिए हैं कन्वेंशनल करंट दैट्स इट ओके इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है मीन्स पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है लेकिन अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और इन जनरल सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते ही करंट फ्लो होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक करंट मींस इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वेंशनल करंट मींस इट इज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड वी नो दैट बोथ आर द पॉजिटिव अपोजिट टू अदर इसलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसको याद करने के लिए आप रख सकते हैं कि कन्वेंशनल दैट मीन पॉजिटिव सो और इलेक्ट्रॉनिस मेटल में हमारा इलेक्ट्रॉन्स रहता है इन इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज रहता है निगेटिव और पॉजिटिव ऑपोजिट है इसलिए डायरेक्शन भी इनका ऑपोजिट होगा इस डायग्राम में भी इस कॉन्सेप्ट को देने देने की कोशिश किया गया है सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज दशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक आपको क्लियर होगा इसको डायरेक्शन ऑफ देंशनल करेंट नाउ अब हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि करेंट के पास मैग्निच्यूड है और करेंट के पास डायरेक्शन भी है तो इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए बट ऐसा नहीं है यहां पर क्या है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है ऐसा क्यों बिकॉज वेक्टर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको करेंट फॉलो नहीं करता है दसवा ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ने बोला कि मैं तुम्हें अपना क्वांटिटी नहीं बनाऊंगा तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आई ए करेंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है आई बी थ्रू दिस ब्रांच एंड आईसी थ्रू दिस ब्रांच इन तीनों में कुछ एंगल है स्टिल यहाँ पर हम लोग वेक्टर का कोई रूल नहीं अप्लाई कर रहे हैं कोई भी रूल नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं आईसी इज इगल टू आई ए प्लस आई बी यहाँ पर देख भी सकते हैं आई सी एट है एट इज इगल टू फाइव प्लस थ्री इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस जो की हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में जाना है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज कि चार्ज जो होता है कंजर्व होता है और फ्रॉम दैट वी कैन एक्सप्लेन दिस कि व्हाई फॉर अ गिवेन कंडक्टर करंट डज नॉट चार्ज विद चेंज विद देंज इन इन इट्स क्रॉस सेक्शन एक्चुअली करेंट क्या है करेंट इज द फ्लो ऑफ द चार्ज और चार्ज क्या होता है ये कंजर्व होता है मींस जितना चार्ज इंटर हुआ किसी सरफेस पे उतना ही चार्ज आउट होगा दूसरे सरफेस से सो इन दैट केस ऑफ कोर्स इफ फॉर एनी गिवन कंडक्टर करेंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन इट्स क्रॉस सेक्शन नाउ इट इज क्लियर कि करेंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज करेंट इन डिफरेंट सिचुएशन इज ड्यू टू द मोशन ऑफ डिफरेंट चार्ज कैरियर्स मीन्स अगर हम कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर करेंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर जो कि हमारा एक चैप्टर है आगे इसमें करंट प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव आयन के चलते करंट प्रोड्यूस होता है

और अगर केमिकल इफेक्ट की बात करें तो इसका एप्लीकेशन है वोट मीटर आर दी यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन इस इफेक्ट से क्या एप्लीकेशन हम लोग क्या यूज लाते हैं अपने लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ अब अगर हम करंट की टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह का होता है डायरेक्ट करंट जिसको शॉर्ट में डीसी बोलते हैं एंड अल्टरनेटिव करंट दैट इज एसी अल्टरनेटिंग करेंट में क्या होता है टाइम के साथ साथ करेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डीसी करेंट में टाइम के साथ साथ करेंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है अगर हमें डीसी करेंट को एसी करेंट में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू इन्वर्टर जो की हम लोग के लगभग हर किसी के घर में रहता है तो पहले हम उसको बैटरी से चार्ज करते हैं और फिर वहां पर डी सी करेंट स्टोर हो गया और इन्वर्टर ने एसी करेंट में कन्वर्ट कर दिया और अगर एसी से डीसी एसी करंट को डी सी करंट बनाना चाहते हैं देन वी हैव टू यूज रेक्टिफायर इन बिटवीन ए सी टू डी सी सो चार्ज इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द मोशन सॉरी करेंट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द चार्जेस ये जो मोशन है चार्ज का ये ट्रांसलेटरी भी हो सकता है रोटेटरी भी हो सकता है और ये करंट तब भी प्रोड्यूस हो सकता है जबकि वोल्टेज अप्लाइड किया जा रहा है अक्रॉस अ रेजिस्टेंस आर अगर ये थर्ड केस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ यूज करके करंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये एक्चुअली हमको आगे हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करना है तो इसलिए इसलिए हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हाउ कि क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर चार्ज का मोशन ट्रांसलेटरी है या रोटेटरी है तो फर्स्ट ट्रांसलेटरी Translator, मोशन को हम लोग देखते हैं इस केस में हम लोग थ्री डिफरेंट केस लेते हैं अगर फर्स्ट केस की हम लोग बात करें तो सपोज इफ एन पार्टिकल इच हैविंग अ चार्ज क्यू पासिंग थ्रू अ गिवेन एरिया इन टाइम टी सो इन दैट केस आई इज इगल टू एन क्यू बाय टी एंड इन सेकेंड केस इफ एन पार्टिकल्स इच हैविंग ए चार्ज क्यू पास पर सेकेंड पर यूनिट एरिया

Q का वैल्यू हो गया ne और ये ऑफ कोर्स s और d पर भी डिपेंड करेगा एंड t जो टाइम है उसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी और जब इसको सॉल्व करेंगे देन फाइनली वी हैव n इगल टू सॉरी i इज इगल टू एन ई बी एस एंड दिस इज द सेकेंड केस जहां पर चार्ज का मोशन रोटेटरी हो रहा है सो so, इस केस में अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पॉइंट चार्ज जो कि किसी सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन फ्रॉम दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन वी नो दैट कि टाइम पीरियड इज टू टू पाई आर एंड फ्रीक्वेंसी इज अपोजिट टू द टाइम पीरियड एंड इन दैट केस आई का जो वैल्यू होगा करेंट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस केस में वो होगा चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी अब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं सो फाइनली वी हैव आई इज इगल टू क्यू भी बाईर दिस वन इज द लास्ट पॉइंट अबाउट द करेंट इलेक्ट्रिसिटी की करेंट करेंट इज आल्सो डिफाइंड एज फ्लक्स ऑफ करेंट डेंसिटी मींस करेंट को हम लोग आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर डी एस तो कोर्स इट इज सरफेस एरिया ये इंटीग्रेशन का साइन है ये जो जे टर्म है इस जे टर्म को हम लोग बोलते हैं करेंट डेंसिटी और करेंट डेंसिटी वेक्टर है ये भी वेक्टर है और जब इन दोनों का रिजल्ट आएगा तो स्केलर होगा जो कि यहाँ पर आई हम लोगों को दिख रहा है और वी नो डेट कि आई इज अ स्केलर क्वांटिटी सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी करेंट डेंसिटी दैट मीन्स हम लोग जे के बारे में देखेंगे कि करेंट डेंसिटी है क्या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे